महेंद्रगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान गांव कुरहावटा पहुंचे और जहां लोगों ने उनका बाइक रैली निकालकर स्वागत भी किया है, सभा स्थल तक भी उनको ले जाए जाने की जो बात है वो सामने आई थी, तस्वीरें भी दिखाई दी हैं। ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। महेंद्रगढ़ में आईएएस का इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के कुराहवटा गांव का दौरा किया। इस गांव के दौरे में उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। गांव कुराहवटा में पहुंचने पर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को बाइकों में रैली निकालकर सभा स्थल तक ले जाया गया, जहां ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुना तो वे विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और जनता की समस्या का समाधान उनके द्वार पर ही करवाएंगे। चेंज आ रहे हैं, चेंज ऐसा अब लगातार इनका काम घर बैठे बैठे हो जाए, कोई समस्या ना आए, जो मैं लगातार मैं बता रहा हूँ चार प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो चारों प्रोजेक्ट्स हम जल्दी लॉन्च करेंगे जैसे ही घोषणा जो हमने की है, तो उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और आमजन को बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनका हेल्थ अच्छा होगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, फैसिलिटी की बात आती है, आप हॉस्पिटल्स को देख रहे हो, ये सिर्फ रेफर हॉस्पिटल्स बन के रह गए हैं। अगर आप ये हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स की कमी लगेगी, इक्विपमेंट्स की कमी लगेगी, आपके टेस्टिंग की कमी लगेगी, उसके सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम इस टाइप पर हॉस्पिटल देंगे ताकि पीजे में कोई रेफर ना करे। संदीप सिंह ने कहा कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे इस क्षेत्र से बेरोजगारी नाम की कवायद से युवाओं को छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। सच्चाई और ईमानदारी की अवश्य ही जीत होगी। महेंद्रगढ़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।